क्लास सेवेंथ है, प्रश्न नंबर 18 है, त्रिभुज ईएडी को समान चार भागों में बांटो। ईएडी एक त्रिभुज बनानी है। सबसे पहले आपने अपनी मर्जी से कोई त्रिभुज बना दें, एक उसका नाम रखना है आपने, ऐसे कोई त्रिभुज बनानी है, जैसे कोई अपनी मर्जी से कोई त्रिभुज बना दी और उसका नाम रखना है आपने ईएडी। इस त्रिभुज का नाम रख दिया हमने ई ए डी। अब इस त्रिभुज को आपने तीन बराबर भागों में बांटना है। तो इसमें आसान तरीका है, आपने प्रकार आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के रखनी है। ऐसे प्रकार आपने खोल लिए तो ये कॉमन ही लाइन है, ये देखिए इधर भी आ जाएगा काम, ये पॉइंट कुछ कॉमन बन जाएंगे इसमें। इसे आपने चाप लगानी है, छोटे छोटे डॉट लगाए, ऐसे चाप लगा लें, ये चाप को ऐसे घुमा लें, क्योंकि ये ए बी में भी काम आ जानी है अब आपकी, और डी और ई में भी काम आ जानी है। ऐसे रखा, अब ई के ऊपर चले गए ऐसे, ऐसे इस लाइन को काट दिया, इस पॉइंट को काट दिया। अब इसको मिला लेना है ताकि आप भूलें ना, इस पॉइंट को आप मिला लें पहले, समझ विभाजन कर जो आपने किया हुआ। सबसे पहले इस पॉइंट को आपस में ऐसे मिला दें, जहाँ मिल रहा है ये पॉइंट आपका पी आ गया। अब इसी तरह आपने ई पॉइंट के ऊपर जैसे रखा हुआ है, तो ये प्रकार आपने इस साइड को भी घुमा देनी है, जब आपने घुमानी है ऐसे। अब आपने ए पॉइंट के ऊपर आना है, ऐसे आए और ये चाप भी काटनी है, और ये इधर भी कट जाएगी अब आपकी चाप आकर के, और ये इधर भी कट जाएगी अब यहाँ। अब देखिए एक पॉइंट आपका ये बन रहा है, ये देख रहे हैं इसको, दोबारा देख रहे हैं इसको, इस लाइन का पॉइंट आपका ये बन रहा है, ये और ये, इसको मिला लें ऐसे डॉटेड, और इस लाइन का पॉइंट ये और ये बन रहा है, इनको मिला लें, तीनों रेखाओं का आपका समद्विबाह विभाजन हो जाएगा। जहाँ ये समद्विबाह विभाजन हो रहे हैं, ये आपका P, ये पॉइंट P आ गया, ये Q आ गया, और ये आपका R आ गया। जहाँ जहाँ ये मिल रहे हैं, इन पॉइंटों को मिला दें ऐसे डायरेक्ट, इस तरह आपके पास एक त्रिभुज इसके बीच में बन जाएगी। इसकी सहायता से चार त्रिभुज और बन जाएंगे इसमें, ये इसके चार बराबर भाग हो जाएंगे, एक दो तीन और चार। तो इस तरह ये प्रश्न आपका कंप्लीट है, प्रश्न नंबर 18।